दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स की टॉप 5 नॉन रिटर्नेबल्स कैटेगरीज की, जिन्हें आप अपने बिजनेस में ऐड करके प्रोडक्ट रिटर्न्स की प्रॉब्लम से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम सारथी में। दोस्तों, ई कॉमर्स में मोस्टली सेलर्स प्रोडक्ट रिटर्न्स को लेकर काफी परेशान रहते हैं, फिर चाहे वो कोरियर रिटर्न्स हो या कस्टमर रिटर्न्स। ई कॉमर्स में कोरियर रिटर्न्स पर तो हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है, लेकिन हम नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स लिस्ट करके कस्टमर रिटर्न्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग की टॉप 5 नॉन रिटर्नेबल्स कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं, तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है हेल्थ एंड पर्सनल केयर। दोस्तों, इस कैटेगरी में लॉकडाउन के बाद जबरदस्त बूम देखने को मिला है। हर कोई अपनी हेल्थ और ग्रूमिंग को लेकर अवेयर हुआ है, जिससे ये कैटेगरी ऑनलाइन में टॉप ट्रेड कर रही है। और जो सेलर्स इस कैटेगरी में डील कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के साथ अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। इस कैटेगरी में मेडिकल डिवाइसेस, उसके बाद प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वेलनेस के प्रोडक्ट्स, हील पैड्स, नी कैप सपोर्ट्स, मास्क और सैनिटाइजर्स। और दोस्तों, आजकल तो इस कैटेगरी में काफ़ी सारी कंपनियां और सेलर्स इम्यूनिटी बूस्टिंग के न्यू प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब हमारी सेकंड नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है ब्यूटी। दोस्तों, ये कैटेगरी भी नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आती है, और इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी जबरदस्त डिमांड में हैं, जैसे हेयर रिमूवल रेजर्स हुए और क्रीम्स हुई, जेल और परफ्यूम्स हुए, फेस मास्क और लिपस्टिक्स हुई, मेहंदी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो नॉन रिटर्नेबल होने के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके अपने रिटर्न्स की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और साथ ही एक अच्छा प्रॉफिट अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी थर्ड कैटेगरी में आते हैं हाउस होल्ड और क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप चाहे किचन के लिए गार्बेज बैग ले लीजिए, या फिर स्क्रब या स्पंज, या टॉयलेटरी के लिए टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, बाथरूम परफ्यूम ले लीजिए, या फिर कैंडल्स और अगरबत्ती ले लीजिए। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल तो है ही, साथ ही फास्ट कंज्यूमिंग भी है, जिससे रिपीटेबल कस्टमर्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप भी इस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कीजिए और टेंशन फ्री होकर बिजनेस कीजिए। फ्रेंड्स, हमारी फोर्थ नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है स्टेशनरी और ऑफिस प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में भी लॉकडाउन के बाद काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। काफ़ी कंपनीज के एम्प्लॉय अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, ऐसे में ऑफिस और स्टेशनरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी है। और वैसे भी दोस्तों, ऑफिस और स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो हमेशा से ही रही है, और आज भी चाहे किंडल जैसा ऑनलाइन बुक रीडिंग प्लेटफॉर्म आ गया हो, लेकिन मोस्टली बुक रीडर्स आज भी किताब खरीद कर ही पढ़ना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी फिफ्थ नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी है ग्रोसरी एंड गॉरमेट। दोस्तों, ये कैटेगरी भी काफ़ी डिमांडेबल कैटेगरी है, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होने के कारण इसकी भी रिपीटेबल डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ, इस कैटेगरी में सेल करने के लिए आपको FSSAI का लाइसेंस लेना होगा और अपने कुछ प्रोडक्ट्स के लेबोरेटरी टेस्ट भी कराने होंगे। दोस्तों, इस कैटेगरी में भी आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइस में काफ़ी अच्छा मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज हैं जिसमें कस्टमर विदाउट किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस कैटेगरीज में सेल करके आप अपना रिटर्न रेशियो बहुत ही कम कर सकते हैं, और साथ ही अपनी सेल और प्रॉफिट में एक हैंडसम अमाउंट ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक और यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।